हमीरपुर शहर का सारा कूड़ा बीनने वाले सफाई कर्मचारियों को छत तक नसीब नहीं हो पा रही है और कूड़ा संयंत्र के लिए बनाए गए शेडों में दिन रात गंदगी में जिंदगी गुजार रहे हैं। दिन के समय कूड़ा इकट्ठा करने के साथ कूड़े को साफ करने के लिए काम करने वाले परिवार कूड़ा संयंत्र में दिनचर्या गुजार रहे हैं। कोरोना संकट के समय इस तरह जिंदगी बसर कर रहे प्रवासी मजदूरों के पास ना तो मास्क और ना ही छत नसीब है। वहीं इस तरह जिंदगी बसर कर रहे लोगों के हालात देखकर प्रशासन के सारे दावे ही हवा हवाई हो रहे हैं, क्योंकि मक्खी मच्छरों के बीच जिंदगी गुजारना इन लोगों के लिए मजबूरी हो गई है। प्रवासी मजदूरों की महिलाओं ने बताया कि कूड़ा सेंटर में बने शेड में ही गंदगी में दिन रात गुजारते हैं। उन्होंने बताया कि इस बारे में संबंधित ठेकेदार को भी बताया है, लेकिन रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। आपको भी रहने वाले यहाँ पे साल हो गया हमारे साल में। आपको बदुन एक साल हो गया हाँ। आपको बदुन आती है आपको बदबू तो आ रही है, फिर काम धंधा क्या करे गरीब आदमी का, तो काम ऐसे करके खा रहे। आपको मास्क नहीं है, है? मास्क आपके पास मास्क नहीं है मेरे पास, यहाँ पे 9 महीने हो गए। आपको बदुनत तैयार थे हुए बदुनत बदबू आपको बदबू आते क्या करे, खाना पड़ता रहना पड़ता, काम धंधे के लिए तो करना पड़ता, कुछ क्या करे, ठिकाना ही नहीं है कुछ क्या करे। तो आपके प्रशासन क्या मांग है, आपकी क्या मांग है, आपकी मांग है ठिकाना बन जाए, घर बार रहे, काम करते रहे। अगर हम तो गरीब बंदे हैं, कुछ भी नहीं है हमारे को, मास्क है वो भी फाड़ गए, जो जिस्ताने दिए थे कूड़े का काम करते ना वो भी फाड़ गए हमारे। नहीं नहीं दे रहा ठेकेदार लाके, ठेकेदार एक दो बार दिया था ना हमारे को, फाड़ के कूड़े का काम करते है ना, कांच से फाड़ जाते हैं। तो उससे डिमांड करो कि डेली नए लाके दे ना, अब काम करना है तो अब बोल, तो 20 तारीख तक काम कर लो भी चले जैसे बोल रहे ना, अब पैसे मिलेगा, पैसे भी नहीं आ रहे। आए कब थे आप, एक साल हो गया इधर आए, हमने तो देखा नहीं आपको कभी। हाँ इधर ही रहते हैं ना, जब काम करते रहे तो फिर चले जाते हैं, फिर अभी ये 12 बजे का ये आए ना मेरे मम्मी पापा, तो एक साल हो गए हमारे को, 3-4 महीने हो गए, फिर हम सारे मिलके इधर ही काम करते हैं, 15 आदमी काम करते हैं इधर। महिला रीता शास्त्री ने बताया कि कूड़ा बीनने वाले सफाई कर्मचारियों को छत तक नसीब नहीं हो पा रही है। कूड़ा सेंटर के लिए बनाए गए शेडों में दिन रात गंदगी में जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके बारे में सर ये है कि ये बेचारे पता नहीं कहाँ से लेबर आई हुई है, बच्चों समेत इतने गंद में रह रहे हैं, इतनी समझ में नहीं आती मेरे को कि गंदगी में रह रहे हैं, इतने छोटे छोटे इनके साल साल 200 के बच्चे हैं इनके, तो या तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख रहा है या इनके जो ठेकेदार हैं वो नहीं देख रहे हैं, तो इनको कम से कम कहीं और क्वार्टर वगैरह लेके देना चाहिए, जहाँ पे बाहर रहे कहीं रहें, ताकि अच्छी लाइफ जी सकें ये लोग, और इनकी सेफ्टी कोई नहीं है। यहाँ पे रात को चीता भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जंगल के बीचों बीच तो इनको ठहराया हुआ है, तो इनके पास मास्क है ना ग्लव्स हैं, ना इनके पास मास्क है ना इनके पास ग्लव्स हैं। अच्छा दूसरी बात, मैंने इनके ठेकेदार को पूछा है कि इनका जो क्वारंटाइन सर्टिफिकेट है वो हमें शो कर दो। अब कितने दिन हो गए इनको आए हुए, कोई बोल रहे हैं 6 महीने हुए, कोई बोल रहे हैं 4 महीने हुए, कोई बोल रहे हैं 8 महीने हुए, तो हमें वो तो प्रोवाइड करवाओ क्वारंटाइन का सर्टिफिकेट जो भी है, तो हो सकता है कि कोरोना लेके ही ना आए हों कहीं, तो कौन इनका रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का, क्योंकि हमारे तो अब लेडीज़ ने बच्चों ने घास काटने के लिए जंगल की तरफ आना है खेतों की तरफ से। कूड़ा संयंत्र पिट में रह रहे मजदूरों की बात को नकारते हुए नगर परिषद के ईओ केएल ठाकुर ने कहा कि इन पिट में कोई नहीं रह रहा है, केवल बारिश से बचने के लिए यहाँ मजदूर कुछ देर के लिए रुके होंगे। ये जो बच्चे हैं ये वहाँ पर नहीं रहते हैं, पिट्स में नहीं रहते हैं, ये साथ में जो झुंगियाँ हैं उन्होंने बना रखी हैं उसमें रहते हैं, जो वहाँ पर वर्कर काम करते हैं। हो सकता है बारिश की वजह से वो बच्चे पिट्स में आ गए हों, तो इसके संबंध में जो वहाँ का ठेकेदार है उसको निर्देश दिए जाएंगे कि बच्चे पिट्स में ना आए।